दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो फिजिक्स का MCQ है, यह 2020 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 12th क्लास के छात्र हैं वो इनको ज़रूर पढ़े, क्योंकि इसमें से बहुत कोड़े क्वेश्चंस वगैरह इसमें से आएंगे। आप इनको नज़रअंदाज ना करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। उष्मा गति की प्रथम नियम से संरक्षित होता है। दोस्तों ऑप्शन है संवेग, ऊर्जा और संवेग, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। दोस्तों ऑप्शन है इथर, बेंजीन, पारा, पानी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है पारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उष्मा धारित अधिक है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, बेंजीन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जल। निम्नलिखित में से किसकी उष्मा आधारित अधिक है, जल। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, बर्नौली प्रमेय आधारित है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण पर। तो बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, एंगस्ट्रम क्या मापता है। दोस्तों इसका तो आंसर आप लोग जानते होंगे, तो हमें कॉमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दें। आप जिसका आंसर जानते हैं दोस्तों हमें कमेंट करें। एंगस्ट्रम क्या मापता है। ऑप्शन तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, समय। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। तो एंगस्ट्रम क्या मापता है, तरंग दैर्ध्य। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा और जल की शुद्धता। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों जल की बहाव। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल की बहाव। इसका सही आंसर हो जाएगा जल की बहाव, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अदिश राशि क्या है। अदिश राशि है, तो इसका भी आंसर दोस्तों आप लोग जानते होंगे, तो हमें कॉमेंट ज़रूर करें। तो अदिश राशि है ऑप्शन बल, आगुण, ऊर्जा, संवेग, ये सभी। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर है ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। ऑप्शन ए ओम, बी में वोल्ट, सी में एम्पियर, डी में वाट। तो इसका भी आंसर आप लोग जानते होंगे दोस्तों, तो हमें कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, एम्पियर, यानी करंट जो होती है हमारी, करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ये तो आप लोग जानते होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों।
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1971। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में, ऑप्शन बी। दोस्तों हमारी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और एक साथ में एक लाइक करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष इकाई है ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी द्रव्यमान की, ऑप्शन सी दूरी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी की, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। इनमें से कौन नवकरणीय ऊर्जा है? कोयला। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी नरम लोहे, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों हो जाएगा नरम लोहे, ऑप्शन बी। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को एंड तक देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2020 बोर्ड परीक्षाओं के लिए। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए स्थायी चुंबक, ऑप्शन बी नाल चुंबक, ऑप्शन डी ऑप्शन सी विद्युत चुंबक, ऑप्शन डी सामान्य छड़ चुंबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक। आप देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं 15। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? दोस्तों क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 2 मिनट, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 3 मिनट। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, आंसर में दिया है 2 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 2 मिनट। वास्तविक सूर्यास्त और आवासीय सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो ऑप्शन ए 2 मिनट। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक साथ ही लाइक करें। दोस्तों हमारी और भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।